दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे भारत के 11वें प्रेसिडेंट थे और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत को सैटेलाइट से लेकर मिसाइल लॉन्च करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एविल पाकिर जैनो कलाबुद्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। अब्दुल कलाम धर्म और अध्यात्म से जुड़े होने के कारण उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम है ट्रांसेंडेंस। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का नाम जैनो कलाबुद्दीन और उनके माता का नाम आसी अम्मा था। एपीजे अब्दुल कलाम अपने बचपन के दिनों में अखबार बांटते थे। इनके अलावा कलाम बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। वह मैथ और साइंस में ज़्यादा समय देते थे। दोस्तों, इन सब के अलावा 1969 में एपीजे अब्दुल कलाम को इसरो में शामिल कर लिया गया। इनके अलावा वह भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्चर बने जो कि SLV-3 में प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन सबको देखते हुए उन्हें भारत रत्न के साथ साथ उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु लेक्चर देते समय 7:45 पर 27 जुलाई 2015 को वह दुनिया को अलविदा कह दिए। दोस्तों, भारत के ऐसे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानकर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।